आज पूरे हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर यूनियन द्वारा प्रदर्शन कर लंबित पड़ी मांगों को लेकर विधायकों व मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर यूनियन द्वारा शिक्षा मंत्री के निवास पर जोरदार प्रदर्शन किया गया व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। यमुनानगर में आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2018 में घोषित किए गए 1500 रुपए वर्कर व 750 रुपए हेल्पर को बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन हरियाणा में इसको अभी लागू नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि इस पॉलिसी को हरियाणा में तुरंत लागू किया जाए। कमेटी ने यह फैसला लिया कि अपने अपने जिलों में लॉकडाउन के होते हुए जो भी विधायक हैं वहाँ सभी को मांग पत्र दे के सरकार से अपनी मांगों के बारे में जवाब तलबी की जाए, वरना आने वाले समय में जो भी ये मांगें हमारी अधूरी पड़ी हैं, अभी 2 साल तक नहीं लागू की सरकार ने, तो उनके लिए हम अगला अपना संघर्ष लें और एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपना एजिटेशन आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हमने शिक्षा मंत्री जी को दिया है ज्ञापन, हमने उन्हें बताया कि 2018 सितंबर में प्रधानमंत्री द्वारा हमारे 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर को बढ़ोतरी की थी पूरे भारत सरकार ने, जो हरियाणा ने अभी तक लागू नहीं करी। तो हम मांग करते हैं कि वो हमारी जो ड्यू है वो बढ़ोतरी तो कम से कम लागू करवा दी जाए। और उन्होंने कहा है कि जो आपकी जायज़ मांगे हैं पड़ी हैं उन्होंने एक एक मांग को, और जो जायज़ मांगे हैं वैसे तो कहा कि बढ़ोतरी हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं हरियाणा में, पर फिर भी अगर ये आपकी नहीं हुई है तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा, आश्वासन तो यही दिया है। हम उनसे सहमत तो हैं क्योंकि वो हमारे जिले के हैं मंत्री, तो देखो सरकार क्या फैसला लेती है।